सुबह करीब 8:30 बजे रकाबगंज गुरुद्वारा में चहल पहल एकदम से तेज हो गई। एकाएक पूरा माहौल बदल गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक वहां जा पहुंचे। प्रधानमंत्री के आने की जानकारी न गुरुद्वारा प्रशासन को दी गई थी, न स्थानीय पुलिस। जो कुछ हुआ फटाफट लोक कल्याण मार्ग से रकाबगंज गुरुद्वारा की दूरी 4 किलोमीटर है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले के मूवमेंट के वक्त ट्रैफिक रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार न ट्रैफिक रोका गया न डायवर्ट किया गया। पीएम मोदी अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ पब्लिक के एकदम बीचों बीच। मोदी को ऐसे अचानक देखकर हर कोई सरप्राइज था, हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने में जुट गया। बाबा तुरंत रखते आई प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च बलिदान के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि दी। नमन करते हुए दो दो बार माथा टेका और अरदास। गुरुद्वारा के अंदर मौजूद लोगों से काफी देर बातचीत। मोबाइल से बने इस वीडियो का ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन वीडियो देखकर इतना तो पता चल रहा है कि सब बड़े खुश जरूर। प्रधानमंत्री मोदी जिनसे बात कर रहे हैं ये रकाबगंज गुरुद्वारे के ग्रंथी हरदयाल सिंह। हमने सीधे हरदयाल सिंह से जाना, वहां पर क्या बातचीत, पीएम मोदी ने क्या पूछा, उन्होंने क्या क्या बताया। ये प्रधानमंत्री का जो दौरा था क्या अचानक है, पहले से जानकारी थी आपको? शायद अचानक ही बना है, पहले कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी कोई कोई आए गुरुद्वारा साहब आए, मत्था टेका, उन्होंने माला सब जो गुरुद्वारा साहब को भेंट किया। उसके बाद हमने जो गुरुद्वारा के अनुसार उनको हमने सोफा दिया, सोफा जो भेंट दिया। उसके बाद हमने फिर गुरुद्वारा साहब की जो इसकी स्टोरी है, जो इतिहास है एक बात जी का वो हमने उनको सुनाया। सुनने के बाद वो बहुत खुश हुए, तो कहते मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुद्वारा साहब। मैं अकेले में आना चाहता था, मैं इसलिए मैंने मुझे सुकून। क्या प्रधानमंत्री ने भेंट भी दिया? भेंट जो गोलक में वो दी होगी मुझे इस चीज़ को मालूम नहीं है, लेकिन जो रुमाला साहब होते हैं गुरुद्वारा साहब, वो रुमाला उन्होंने भेंट दी। किस तरह की पुलिस बंदोबस्त किया गया था? ऐसे तो कोई ऐसे कोई प्रधानमंत्री चुपचाप आए, उन्होंने मत्था टेका और चले, किसी को किस तरह की परेशानी नहीं? नहीं नहीं कोई परेशानी मतलब नहीं, कोई परेशानी, बस आए आके चले, बहुत खुश थे। मैं दोबारा साहब आया, मुझे सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो पहले मैं अकेले में थोड़ा अच्छा लगता हूँ। प्रधानमंत्री आपसे बात भी करते, क्या जानना चाह रहे थे, क्या गुरुद्वारे के इतिहास आपको जानना चाह रहे थे? हाँ, गुरुद्वारे का इतिहास है जो हमने वो सुनाया उनको, ये गुरु इतिहास है। रकाबगंज गुरुद्वारे का इतिहास सैकड़ों साल पुराना, जिसको जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का निर्माण साल 1783 में हुआ था। इस पवित्र स्थान पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। साल 1675 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए चांदनी चौक में शहीद हुए। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म अपनाने को कहा और इनकार करने पर उनका सिर कलम कर दिया। साल 1783 में बाबा बघेल सिंह जी के दिल्ली फतेह करने के बाद इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारे का इतिहास प्रधानमंत्री मोदी को भी बताया गया। इसके बाद जब पीएम गुरुद्वारे से बाहर निकलने लगे तो उनकी एक झलक लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वहां पर मौजूद पब्लिक के फोन से रिकॉर्ड किया गया है। हर कोई प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, तो पीएम ने भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। ये देखिए, जैसे ही मोदी गुरुद्वारे की सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, वहां मौजूद एक शख्स उनसे सेल्फी के लिए कहता है। पीएम ने भी उसके साथ सेल्फी ली। इसके बाद दूसरा शख्स गोदी में बेटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास आता है। पहले मोदी बेटी को आशीर्वाद देते हैं, फिर फोटो भी खिंचवाते हैं। इसके बाद रास्ते में जो जो मिला, जिस जिसने हाथ बढ़ाया, पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया, बातें की। ये तस्वीरें बताती हैं जनता के दिल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी इज्जत, कितना प्यार है। बिना किसी प्लान के यहाँ पर, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर जो है उनका शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिना किसी पुलिस को भी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जो सिक्योरिटी होती है उनके साथ वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये जो पार्किंग एरिया आप देख रहे हैं, इसी पार्किंग एरिया में उनकी गाड़ी रुकती है और वो सीधा अंदर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और यहाँ पर जो कुछ लोग सुबह गुरुद्वारे आए हुए थे उन लोगों से भी बात करते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस बारे में ना ही गुरुद्वारे के अंदर कोई जानकारी थी और ना ही अगर हम पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, इस उनको भी जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई ट्रैफिक डाइवर्जन इसके अंदर किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सडन विजिट किया था। वो अचानक से यहाँ पर पहुंचे सुबह और गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों से मिले इस पूरे गुरुद्वारे में और मिलकर यहाँ से अचानक से वो चले गए। यहाँ के जो ग्रंथी हैं उनका यही कहना है कि पहले से उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पर थे, अचानक से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जब तक प्रधानमंत्री की कार स्टार्ट होकर गुरुद्वारे से निकल नहीं गई, तब तक वहां मौजूद पब्लिक वीडियो बनाती रही। ये तस्वीर भी वहां पर मौजूद फोन से दी गई। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अचानक गुरुद्वारा पहुंचने को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारा को लेकर 7 अलग अलग ट्वीट किए। ये ट्वीट गुरमुखी, इंग्लिश और हिंदी में किए गए। आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार और जीवन मुझे सदैव प्रेरित करते हैं। दूसरे ट्वीट में लिखा, गुरु साहिब की ये विशेष कृपा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर मिल रहा है। आइए इस पावन मौके को ऐतिहासिक बनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। रकाबगंज गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री मोदी करीब 15 मिनट रहे। इस दौरान ना उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र किया, ना किसी ने उनसे इस मुद्दे में बात की। ये शुद्ध आस्था का मामला है। हालांकि मोदी का अचानक गुरुद्वारे जाना विपक्ष और पंजाब के किसानों को मैसेज जरूर देता है।